व्हाट्सअप माई YouTube फैमिली। आज का जो वीडियो है ये वर्कआउट वीडियो नहीं है, बेसिकली आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा अलग वीडियो है। बेसिकली आज के वीडियो में सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, बिकॉज ना आवर चैनल हैज़ क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर्स इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो मैं हर एक को जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। एंड अगेन इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वर्कआउट वीडियोस या फिर जो भी अच्छा फिटनेस न्यूट्रिशन कंटेंट जो है रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा एंड लाता रहूँगा। सो अगेन आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो ऑन कम्प्लीटिंग 1K सब्सक्राइबर्स, मैंने सोचा कि मैं कुछ तो एक अलग वीडियो बनाता हूँ कि मैं तो अपने जो भी सब्सक्राइबर्स है उन्हें तो थैंक यू कहूँगा भी, लेकिन मैं अपने जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके साथ जो है कनेक्ट हो पाऊँगा या फिर उनके साथ मेरा जो कनेक्शन है ये और गहरा होगा, इसके लिए आज का जो है ये मैंने बेसिकली वीडियो बनाने का प्लान किया है। सो आज के वीडियो में बेसिकली जो भी मुझे इन दिनों कमेंट्स आए हैं, रिस्पॉन्स आए हैं, इनके ऊपर मैं आज के वीडियो में रिएक्ट करूँगा या फिर आपको उसके ऊपर जो भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये आपको मैं बताऊंगा। एंड अगेन सी इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक कमेंट के ऊपर रिएक्ट कर सकूं, बट अगेन आज का वीडियो जो है ये कुछ अलग होने वाला है एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो फ्रेंड्स लो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कमेंट्स। सी बेसिकली मुझे अच्छे कमेंट्स तो बहुत आए, लेकिन अगेन सी हेटर्स आर एवरीवेयर एंड आई वोंट से हेटर्स, मैं उन्हें भी अपने दोस्त ही मानता हूँ जो मुझ में जो खामियाँ होती है या फिर जो मुझ में कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है जो मुझे उनके वजह से पता चलता है। एंड आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं उन कमेंट्स के वजह से इम्प्रूव हूँ एंड आई विल टेक मोटिवेशन फ्रॉम दैट। सो मुझे एजे नाम के किसी से कमेंट आया था कि आई फील सॉरी फॉर यू, जस्ट लुक एट दिस गाय, ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन, ही इज जस्ट फैट। अभी मैं ये वर्ड कैमरा पे नहीं लेता, कमेंट स्क्रीन पे फ्लैश आ रहा है, आप देख लो उसने मुझे क्या कहा। सो अगेन मैंने जो है उसे रिस्पेक्टेड सर बोल के जो भी है व्हाट आई थॉट कि मैं उसे एक रिप्लाई दूंगा, मैंने उसे रिप्लाई दिया एंड अगेन ही थॉट कि वेट वेट सीरियसली यू आर अ पावर लिफ्टर, नो नो वॉट एवर एक्सेट्रा, इफ यू डोंट लुक इट इज नॉट फिटनेस, इफ यू डोंट लुक फिट देन यू जस्ट आर नॉट फिट, फिटनेस इज यूजलेस। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट बेसिकली। सो एक्चुअली जो भी अभी है मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सी अभी मैं पूरे साइंस में नहीं जाता, जस्ट एक शॉर्ट में बताता हूँ। सी फ्रेंड अगर अभी जो आपने ये कमेंट किया है, अगर आपके हिसाब से फिटनेस मतलब क्या, जो जिस आदमी को सिक्स पैक एब्स है, सी नॉट ओनली एब्स मतलब जो आदमी मेंस फिजिक एथलीट या फिर बॉडी बिल्डर जैसा दिख रहा है वो ही फिट है, देन माय फ्रेंड आपके हिसाब से तो 60-70% लोग जो इस दुनिया में एथलीट्स है वो तो अनफिट ही हो गए। जस्ट लुक एट ओलंपिक वेट लिफ्टर्स, लुक एट स्ट्रॉन्गमैन एथलीट्स, चलो वो तो जाने दो, इवन लुक एट द क्रिकेटर्स। अभी मुझे बताओ क्रिकेटर्स जो है ये सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है ये क्रिकेट ग्राउंड पे खेलते हैं, सो डोंट यू थिंक दोज आर फिट, बट डू दे लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर या फिर मेन फिजिक एथलीट, या फिर क्या उनकी फिजिक वैसे होती है? नो, सी एवरी एथलीट ट्रेन्स अकॉर्डिंग टू हिज गोल। फिटनेस इज नॉट कि जस्ट टी शर्ट निकाल के अपने एब्स दिखाओ एंड यू आर फिट। नो, सी अभी मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं वीडियो बनाता, मैं श्योरली इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कमेंट, मुझे एक और कमेंट आया था कि सी दिस इज द बेसिक एक्सरसाइजेस ब्रदर विच यू आर शोइंग, ये सब दिखा के क्या फ़ायदा, ग्रो ओल्ड, कितने टाइम से ये जो है एक्सरसाइजेस वगैरह ऑलरेडी यूट्यूब पे आए हैं, वॉट एवर यू गाइज अंडरस्टूड। ये मेरे बाइसेप के वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट था। सी माई फ्रेंड अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट डालूंगा कि अभी बेसिकली सब लोग घर पे है क्वारंटाइन के वजह से, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबके पास जिम की तरह डंबल्स हो कि सब प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेके अपने बॉडी को ट्रेन कर सकेंगे या फिर हर एक सेट जो है ये अप टू द फेलियर लेके ट्रेन कर सकेंगे। सी देर आर वेरियस पीपल जो मुझे अपने चैनल जो मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं दोज आर बिगनर्स या फिर जिन्होंने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है, सो मुझे सारे जो व्यूअर्स है उन सबको कंसिडरेशन में लेते हुए वीडियो निकालना है। सी एक वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो सब व्यूअर्स के लिए लागू नहीं होगा, किन के लिए वो एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल होंगे बेसिक होंगे, इनके लिए डिफिकल्ट होंगे, सो मुझे सबका जो है मेरे व्यूअर्स का जो है ये ख्याल रखना है एंड उसके हिसाब से कंटेंट अपलोड कर रहा है। सो आई होप माय फ्रेंड कि आपको समझ में आया होगा। हाँ
आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन थिंग कि ये जो एजे जो मैंने आपको सबसे पहले जिनकी कमेंट बताई उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आई डोंट हैव फ्यूचर इन दिस फिटनेस फील्ड। ब्रो थैंक यू फॉर योर कंसर्न, थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड थैंक यू बिकॉज योर कमेंट हैव मोटिवेटेड मी अ लॉट एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड सो सॉरी टू से दैट उसने उसका जो कमेंट है ये डिलीट कर दिया वरना अभी मैं आपको ये कमेंट दिखा देता। सो सी ज़्यादा कुछ हेट कमेंट्स नहीं आए, मुझे थोड़े से हेट कमेंट्स आए बट अगेन सी देर आर वेरियस पीपल जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सी सुपर वर्कआउट, कोई राहुल प्रभाकर करके है, ग्रेट वीडियो ब्रो, डोंट चेंज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ अदर्स, पीपल हु मिस्टेक सिक्स पैक फॉर फिटनेस विल नेवर अंडरस्टैंड, आई विल डेफिनेटली ट्राई। सी मतलब एक्चुअली पीपल आर गेटिंग वॉट इज फिटनेस एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। एंड अगेन देर आर वेरी नाइस वर्कआउट सर, कैन वी डू दिस एक्सरसाइजेस रेगुलरली। सी इस तरह मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे क्वेश्चन आते हैं आपसे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप देख सकते हो कि आप हर एक कमेंट देखिए, मैंने हर एक कमेंट को रिप्लाई किया है, ऑलमोस्ट मैंने 99% कमेंट्स को रिप्लाई किया है। जो भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछोगे मैं बेझिझक उन्हें रिप्लाई करूंगा, या फिर आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से गलत है या फिर कुछ है, डोंट हेजिटेट, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक को जो है ये रिप्लाई बैक करूंगा। मैंने तो और कमेंट दिया है सर वर्कआउट से पहले बीच में या बाद में हॉट वाटर पी सकते हैं क्या। सी बेसिकली समवन हैज आस्क्ड मी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई हैव आंसर्ड द सेम एज पर द नंबर द पर्सन हैज आस्क्ड मी। सो इस तरह मैंने जो है हर एक कमेंट को रिप्लाई किया है। एंड अगेन मुझे एक कमेंट आया था कि उसने जो मैंने होम वर्कआउट वीडियो का जो है एक वीडियो बनाया है उसमें जो मैंने एक्सरसाइजेस बताया है वो उस पर्सन ने जो है मयंक अरोरा करके ये पर्सन है उन्होंने उसके जो है ये जो एक्सरसाइजेस है ये किसी ऐप में या कहीं पे देखे थे। सी फ्रेंड्स आई जस्ट वॉन्ट टू से कि देर आर सम एक्सरसाइजेस। सी मतलब अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको ट्राइसेप का एक्सरसाइज चाहिए तो ट्राइसेप कैसे ट्रेन होता है, सिंपल एल्बो एक्सटेंशन से। फिर एल्बो एक्सटेंशन आप जो है थोड़ा सा अलग अलग वे में बता सकते हो लेकिन द थिंग इज कि बेस तो सेम है, एक्सरसाइजेस भी मोस्ट ऑफ द लोग जो बताएंगे या फिर जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेस दिखाएंगे वो सेम होंगे। सो द थिंग इज कि एक्सरसाइजेस मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको सेम दिख सकते हैं लेकिन आई गारंटी यू कि किसी भी क्रिएटर, नॉट ओनली मी, यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं जो आपको होम वर्कआउट के वीडियोस बता रहे हैं किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि वीडियो एकदम सेम है, सेम टू सेम सेट्स रेप्स सेकेंड्स सेम टू सेम सेम है। सी जो बेसिकली वर्कआउट प्लानिंग होता है, सर्किट्स वर्कआउट के जो प्लान होता है ये एवरी फिटनेस इंडिविजुअल अपने हिसाब से प्लान करता है। सी सो इट इज वेरी नेचुरल बिकॉज एक्सरसाइजेस आर लिमिटेड, सो उसके वजह से जो एक्सरसाइजेस है वो वीडियोस में रिपीट होंगे बट अगेन उसके सेट्स रेप्स और जो सर्किट का प्लानिंग जो है वर्कआउट का वो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से मैटर करेगा। सो वो उस चीज को भी ध्यान में लीजिए। यस एंड वन मोर कमेंट, ये मोटा आदमी एक्सरसाइज क्या करेगा, एंड अगेन समवन रिप्लाई टू हिम पहले इससे अपना एक्स्ट्रा पाउंड लूज करना पड़ेगा। सी ब्रो आई एम मोटा, फीलिंग बैड फॉर यू इफ दिस इज मोटा, जाने दो अभी आज नहीं दिखा था, इफ दिस इज मोटा देन आई गेस यू सीरियसली नीड सम आई चेक ब्रो। आई एम आई वॉन्ट से कि आई एम एज लीन और सुपर लीन एज बॉडी बिल्डर बट आई गेस अराउंड 16-18% के बीच में मेरा बॉडी फैट है सो आई डोंट थिंक आई एम मोटा। एंड अगेन I do body weight exercises plus again power lifter. I am a national level power lifter. मैंने recently Mayor's Trophy में 230 kgs का squat किया था. So again each and every athlete train according to his goal. जैसे मैंने आपको बताया मैं अगर मेंस फिजिक एथलीट जैसा लीन बॉडी आई कैन मेक, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बना सकता। सी अगेन जेनेटिक्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, देयर आर सम एथलीट्स जो पावर लिफ्टिंग करेंगे या फिर जो स्ट्रांगमैन है लेकिन दे लुक लीन बिकॉज देयर जेनेटिक्स आर सुपीरियर बट दोज आर हार्डली फ्यू परसेंट, लेस देन 5% ऑफ एथलीट्स। बाकी आप चाहिए तो अभी यूट्यूब पे वीडियो के बाद सर्च करके देखिए पावर लिफ्टर्स, स्ट्रांग मैन, ओलंपिक वेट लिफ्टर्स। सी ओलंपिक वेट लिफ्टर्स में भी चाइनीज एथलीट्स आर वेरी लीन बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स बट यू विल सी एरिया वाइज द एथलीट्स आर नॉट लीन एंड अगेन ओलंपिक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एंड स्ट्रांग मैन रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्सप्लोसिवनेस एंड अगेन देर आर वेरियस फैक्टर्स जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताता लेकिन बींग दैट लीन लाइक अ बॉडी बिल्डर विल नॉट सपोर्ट दैट स्पोर्ट।
सो बॉडी बिल्डर इज अ डिफरेंट स्पोर्ट, वो एक अलग फिटनेस का ही एक गेम है, वो एक अलग स्पोर्ट है, उसको भी बहुत डेडिकेशन, बहुत मेहनत एंड बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस लगते हैं बेसिकली, सेम एज इन पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग एंड अगेन स्ट्रांग मैन या फिर बाकी के जो स्पोर्ट्स होते हैं उन्हें भी उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो जस्ट एक ही प्रिंसिपल को या फिर जस्ट एक ही सर्कमस्टांस को आप हर टाइम कंपेयर मत कीजिए, विच इज अ सिंपल रिक्वेस्ट जो मैं इस वीडियो के दौरान आपको करना चाहता हूँ। एंड अगेन अभी आई एम थिंकिंग कि मैं अगला वीडियो जो है इसके ऊपर ही एक डिटेल्ड बनाता हूँ, सो इट विल बी अ बिट कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो आई थिंक, बट अगेन विच इज़ वॉट आई फील कि मुझे फिटनेस जो है इसका प्रॉपर नॉलेज स्प्रेड करना है एंड फिटनेस के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस स्प्रेड करना है। सो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए। एंड वंस अगेन थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड अगेन अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी होगी या फिर कुछ भी होगा, बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे आप पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जो है ये आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम आईडी मेरा है जो इस स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं एंड मैं हर एक डीएम का आंसर देने की कोशिश करता हूँ एंड मैं हर एक डीएम को जनरली आंसर देता हूँ। सो आई होप कि आपको आज का मेरा ये थैंक्स गिविंग वीडियो जो है ये पसंद आया होगा, इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं कल जो मैंने आपको वीडियो बताया उस वीडियो के साथ, टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टे सेफ एवरीबडी।